बरेली में नैनीताल रोड स्थित एक होटल में बीजेपी ब्रज क्षेत्र की नगर निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान ब्रज क्षेत्र में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की कुल 142 में से 80 सीटें गवा देने पर बीजेपी ने गंभीरता से लेते हुए हार की समीक्षा की। साथ ही बैठक में मौजूद राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने संगठन के दिग्गज नेताओं को हार के कारणों की पड़ताल करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल बताया था, लेकिन अब यही दावा उसे कष्ट दे रहा है। ब्रज क्षेत्र की 104 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों में से बीजेपी को 60 पर ही मुंह की खानी पड़ी है। वहीं नगर पालिका की 38 में से 20 सीटें बीजेपी ने गंवा दी हैं। जिन मंत्री, सांसद और विधायकों के क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों को हार मिली है, ऐसे जनप्रतिनिधियों की पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है। वहीं हार की समीक्षा के लिए आनन फानन में ब्रज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक भी बरेली में तय कर दी गई। इस समीक्षा बैठक में मिशन 2024 के परिप्रेक्ष्य में मौजूद स्थिति पर चर्चा के साथ ब्रज क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन और उनकी भरपाई के लिए कार्ययोजना पर मंथन किया गया। इसको लेकर बीजेपी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाके ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी ने विरोध पार्टियों के किले ढहा दिए हैं। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर परचम लहराने का दावा किया है। आपको बताते चले कि ब्रज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक लेने के लिए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ब्रज क्षेत्र प्रभारी संतोष सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य समेत कई पदाधिकारियों ने हार की समीक्षा की। ब्रज क्षेत्र की बैठक है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये बैठक हो रही है। माननीय मोदी जी के 9 वर्ष का जो स्वर्णिम समय रहा है जनता के लिए, उस पर और लोकसभा का चुनाव आगे रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी की नीतियों पर चुनाव फिर मोहर लगे, इस संबंध में बैठक। देखिए, जनता का भरोसा टिका है। माननीय मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही कारण है मुसलमानों ने भी इस बार माननीय मोदी की नीतियों पर भरोसा करके अपना मत व्यक्त करते हुए समर्थन दिया। 24 की तैयारी में फिर माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने। हम लोग संगठन का विस्तार हम लोगों ने बूथ तक किया है, आगामी समय में भी संगठन हमारा लोक बूथ पर और मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र में सारी लड़ाई बूथ पर लड़ी जाती है। बूथ पर लड़ने के लिए संगठन हमारा मजबूत हो, इसलिए कैसे उसकी व्यवस्था हो, हमारा संगठन ब्लॉक कैसे और विस्तारित हो, इस सब की योजना हम इस। अजय जी, ब्रज क्षेत्र में यूपी में तो आप लोगों ने कब्जा कर लिया निकाय चुनाव में, कर्नाटक में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है, क्या लगता है उससे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, हर राज्य की थोड़ी अलग परिस्थितियाँ रहती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी नगर निगम चुनाव में एक जिस तरह से हम लोगों को बहुमत दिया है, तो वो निश्चित रूप से ये प्रदर्शित है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास और भरोसा है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो भरोसा है, उससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा चुनाव 2024 में एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। 80 की 80 लोकसभा सीटें हम 2024 में जीतेंगे।